तो गाइस मैं अभी आप सभी का वेलकम नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि आप सभी के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। जो भी यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे थे भाई, 40 गेम आपका पूरा बर्बाद हो चुका है। आपने जितना भी टाइम इसमें बर्बाद किया ना भाई, आपका सच में भाई पूरा टाइम बर्बाद हो गया है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा मोड़ा भाई एक्सपीरियंस मिला होगा कि हाँ किस तरह से टूर्नामेंट खेलते हैं भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई आपको पूरी तरह से पागल बनाया गया है। जो बंदे भाई इतना फेयर तरीके से खेले थे और हार्ड वर्क करके यहाँ पे सोच रहे थे, आस लगाकर बैठे हुए थे कि उनको भाई डायमंड तो ना सही, कम से कम भाई इमोर तो मिल ही जाएगा यार, टॉप 100 में आराम से मेरी टीम आ जाएगी, क्योंकि हैकर लोग तो भाई सब लोग निकल जाएंगे और हमारी टीम आराम से टॉप 100 में आ जाएगी। लेकिन भाई अब तो रिजल्ट भी आ चुका है और हैकर लोग ही डायमंड जीत के चले गए हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लेडर बोर्ड आपके सामने है, यहाँ पे लेडर बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है। मैं अभी अच्छे तरह से भाई ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से भाई लेडर बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने। लेडर बोर्ड के सामने भाई आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एम्पायर करके एक बंदा है, जो कि टॉप 1 पे भाई इनको पूरे टीम के छह बंदों को भाई 50,000 डायमंड मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई ये लोग तो भाई 70-70 लेवल किए हुए हैं, ठीक है, 80 लेवल के 70 लेवल के बंदे हैं, तो आपको लग रहा होगा ये फेयर प्लेयर है भाई। लेकिन थोड़ा सबर तो करो, ये थोड़ा देखो भाई रिकॉर्ड में मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखो भाई 81 किल है यार, कोई बंदा एक मैच में 81 किल कैसे कर सकता है भाई, 81, 71, 68, ये सब आपको लग रहा है यार नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है यार, 50 प्लेयर तो रहते हैं भाई। यहाँ पे आपकी भी टीम 4 स्कोर बंदे होते, क्या आपने भी अपनी स्कोर को भी मार दिया क्या उसमें भाई, कितने बंदे रिवाइव होके आ रहे थे यार, आप पूरी लॉबी को अकेले मारो 81 किल, कितना भाई, मतलब कि लॉबी का जस्ट डबल किल आप कर रहे हो। अभी भी लोग बोलेंगे भाई क्या यार कुछ भी बोल रहा है भाई, 81 किल हो सकता है, बहुत तगड़ा खेलते हैं, 78 है, 80 लेवल के बंदे है भाई, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, यहाँ पर देखो मैं डिटेल्स में जाता हूँ और डिटेल्स में जैसे क्लिक करता हूँ भाई, यहाँ पर देखो तो 89% हेडशॉट रेट है भाई, और ये आपने कभी देखा है कि टूर्नामेंट प्लेयर्स का इतना भाई हेडशॉट रेट होता होगा, क्योंकि यार टूर्नामेंट में ना सभी बॉडी शॉट केवल खेलते हैं भाई, स्पैम करते हैं भाई, बॉडी शॉट केवल किल होता है, ठीक है। कम से कम भाई 30 भी हेडशॉट रेट है ना, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया 30% अगर हेडशॉट रेट है तो। और यहाँ तो पूरा सीधा सीधा 89% हेडशॉट रेट दिख रहा है भाई, और हेडशॉट रेट और किल दोनों भाई चीख चीख के बोल रहे कि ये लोग हैकर लोग हैं और डायमंड जीत के भी चले गए हैं, ठीक है। इनके हर एक टीम के प्लेयर को 50,000 डायमंड मिला है, तो यहाँ पे कोई भी बंदा हैकर लोग नहीं जीतने वाले थे यार, गरीने वालों ने ऐसा भाई वादा किया था कि भाई जो बंदा फेयर तरीके से खेलेगा केवल उसी का भाई पॉइंट काउंट होगा भाई, और इसी आस में जो भी बंदा भाई प्रैक्टिस वगैरह करके खेल रहे थे वे लोग भाई अपना पूरा 40 मैच 100% देकर अपना 40 मैच कंप्लीट किए भाई, ठीक है, ताकि उनका भाई डायमंड तो ना मिले सही, लेकिन कम से कम टॉप 100 में उनका टीम आ जाएगा। लेकिन भाई आपको यहाँ पे केवल भाई हैकर लोग ही भरे पड़े दिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको टॉप 2 वाले बंदों का भी दिखा देता हूँ, समोसा करके इनका टीम है, तो चलो इनका प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5 बंदे ये लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पे पेल्टिनम का एक बंदा दिख रहा है। तो यहाँ पे चलो हम लोग रिकॉर्ड्स में चलते हैं इनका, देखो यहाँ पे पूरा भाई 71, 70, 69 किल्स भाई, इतने कैसे किल कर रहे हैं भाई, ये तो भाई पूरा चिक चिक बोल रहा है ये लोग हैक यूज कर रहे हैं और ये लोग हैकर हैं भाई। फिर भी गरेना को ये दिखेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं ये तो फेयर प्लेयर है, पता नहीं इतना देर से एक दिन में क्या ये सब चेक कर रहे थे भाई। अरे हम लोग भाई देख के बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा हैक यूज कर रहा है, इतना किल कैसे हो सकता है। और गरेना पता नहीं कौन सा डिटेक्टिव सिस्टम लगा कर चेक कर रहा था गेम प्ले, उनको भाई दिख नहीं रहा था कि ये बंदा हैक यूज कर रहा है। यहाँ पे चलो मैं फिर भी कोई बात नहीं, चलो डिटेल्स में दिखाता हूँ, अभी मैं डिटेल्स में चलते हम लोग। यहाँ पे देखो 84% हेडशॉट रेट है भाई, क्या यार 84% हेडशॉट रेट है यहाँ पे भाई, क्या भाई क्या मैं बोलूँ, चलो कुछ बोल भी नहीं सकता यार। चलो मैं अभी दूसरा आईडी दिखाता हूँ आपका, तीसरा नंबर पर जो है ना बंदा, यहाँ पे मैं चलता हूँ बैक करता हूँ यहाँ से और तीसरे नंबर का देखते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे भाई डेडली ESP भाई, जो कि टॉप 1 पे चल रहा था एक टाइम पे, लेकिन यहाँ पे टॉप 3 में है, और इसका हर एक प्लेयर को भाई यहाँ पे डायमंड भी मिल चुका है भाई, 10,000 डायमंड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो भाई 5 ही प्लेयर है और इनका भी 5 ही प्लेयर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड में चलते हैं, देख लो भाई यहाँ पे भी भाई 76 किल यहाँ पे टॉप में बैठा यार, 76, 69, 60 भाई, कैसे इतना किल कर रहे हो भाई। तो यहाँ पे ना हम लोग ना रिकॉर्ड्स में चलते हैं भाई, ठीक है, कि ये लोग कितना कैसे भाई हेडशॉट रेट इनका भी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो यार हेडशॉट रेट भाई 88% यार, पूरा साफ साफ बता रहा है कि ये लोग हैक यूज कर रहे हैं। इनका भाई आईडी बैन करना चाहिए यार, आप लोग भाई इसको टॉप में बैठा आगे बैठो यार, फेयर प्लेयर क्या सोचेंगे फिर। नहीं भाई मेरे को बताओ यार करने वालों, यार फेयर प्लेयर क्या सोचेंगे भाई, जो बंदा इतना मेहनत कर रहा है भाई डायमंड वगैरह जीतने का है, तो छोड़ो उसका आस ही नहीं था, लेकिन वो भाई ये सोच रहा था कि भाई टॉप 100 में जाए, कम से कम इमोट मिल जाएगा, कुछ इज्जत मिल जाएगा भाई कि मेरा टीम अच्छा खेलता है, थोड़ा सा नाम होगा भाई, फेम बनेगा कि हाँ भाई वीडियो डाल दिया कि देखो मेरा टॉप 100 में भाई टीम आया, क्योंकि जो बंदा ई स्पोर्ट्स खेलता है ना भाई, वो उसको टूर्नामेंट का पूरा जानकारी होता है, वो फेयर तरीके से खेल रहा था भाई सभी लोग, ठीक है मेरे को पता है भाई। लेकिन यहाँ पे भाई जीता कौन, हैकर लोग जीत के गए, और यहाँ पे ना काफी बड़े बड़े यूट्यूबर लोग बोलते थे भाई वे हैकर को बैन कर दूंगा भाई, हैकर लोग को हटा दूंगा। यहाँ पे आप लोग खुद सुन लो भाई, ये था ना ये, हाँ
हाँ, ये पूरा का पूरा टीम अगर हैकर साथ खेल रही है तो पूरा का पूरा टीम का आईडी गाइस कम से कम सबको बैन होना चाहिए, ठीक है भाई? सुनो, अगर कोई बंदा कोई टीम हैकर टीम आती ना ऊपर, मेरे को बताना, ठीक है? मेरे को बताना इंस्टेंट। आज देखो, आज हमने टॉप वाले को हटवा दिया, और हटवाएंगे उसको, लिस्ट से हटा देंगे। मेरे को नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे हैकर हटे हैं भाई। किस हैकर का बात कर रहे हो यार? टॉप 3 का छोड़ दो भाई, टॉप 100 में भी ना केवल 90% हैकर ही भरे हैं भाई, ठीक है? 10% फेयर प्लेयर होंगे इसमें टॉप 100 में भाई। और बात कर रहे हो कि हैकर को हटा दिया भाई, टॉप 1 वाले को हटा दिया, कहाँ हैकर भाई? हैकर लोग जीत के गए हैं, फेयर प्लेयर को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है? रिजल्ट आपके सामने है भाई, और मेरे को भी मेल बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, मेरे को मेल बॉक्स में यहाँ पे क्या मिला है। अभी मैं कट करता हूँ यहाँ पे पूरा सब कुछ, और कट करके देखो यहाँ पे मेल बॉक्स ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हो क्या मिला है। देख सकते हो भाई, यहाँ पे हम लोग 20 मैच भाई खेले हुए थे, तो यहाँ मेरे को इसके बदले यहाँ पे मिल चुका है, और जो कि भाई अच्छा खासा रैंक नहीं था तो इसका बदले मिल गया। और मैं अपना भाई तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि भाई मेरे टीम उतना अच्छी नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मली खेल रहे थे हम लोग, ठीक है? क्योंकि हैकर लोग भी आ रहे थे तो नॉर्मली खेल रहे थे, भाई हम लोग तो जीतेंगे नहीं। लेकिन भाई आप लोग ये सोचो कि जिनका माइंड सेट था कि भाई हमको अपने टीम को टॉप 100 के अंदर लाना है, वो भी भाई फेयर तरीके से बिना हैक यूज किए, तो सोचो यार उनपे क्या गुजर रही होगी भाई। जो बंदा इतना प्रैक्टिस किया होगा भाई, कोशिश किया होगा कि भाई मेरे को टॉप 100 में आना है तो आना है, लेकिन भाई उसकी टीम तो भाई ऐसा है भाई, गैप हुई है यहाँ से कि पता ही नहीं चल रहा है। मतलब 81 किल करके बंदे बैठे हैं भाई, तो क्या उम्मीद लगा रहे हो कि आपकी टीम यहाँ पे जीत जाती यार? जो बंदा हैकर के साथ खेल रहा है उसके सामने कभी फेयर प्लेयर जीतेंगे भाई? अरे ऊपर से यार ये लोग हैकर को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मैं तो यार गरीना वालों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा ना कि भाई अगर आपको यार हैकर लोग को ही जिताना था, तो फिर भाई जो लोग फेयर प्लेयर है उनके भावनाओं के साथ क्यों खेले भाई? जब आपको हैकर्स को जिताना है तो भाई आप लोग इसको टूर्नामेंट क्यों नाम धरे हो भाई? दिवाली कब, इसको हैकर कब कर दो ना भाई। सब लोग हैक यूज करते भाई, हैकर हैकर भाई फाइट करते सब लोग। यहाँ पे यार पहले वादा किया गया कि भाई फेयर प्लेयर को भाई मिलेगा, यार कुछ नहीं मिल रहा है फेयर प्लेयर को भाई। और जो लोग भाई फेयर प्लेयर होंगे भाई, मैं उनको बता देता हूँ कि आप लोग का भाई जो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इसमें भाई कोई भी फ्यूचर मत देखो यार आप लोग, ये गेम ही भाई हैकर को भाई प्रमोट कर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँ यार बताओ। और ना मेरे भी कितने सारे ऐसे फ्रेंड लोग हैं जिनका भाई फालतू में आईडी ब्लैकलिस्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब बिना काम का भाई, मतलब कि वे लोग बस खेल रहे हैं गेम वगैरह नॉर्मली जैसे वो खेलते हैं, और उनका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जा रहा है, 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जा रहा है भाई, बताओ। और इनको भाई हैकर लोग नहीं दिख रहे हैं, और वो नॉर्मल प्लेयर को बस परेशान करना जानते हैं भाई, बताओ। अब मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकता हूं भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी को यार कि आप लोग यार इस गेम का भाई क्या करोगे यार, कुछ नहीं, बस एंजॉय करो। और जो बंदे भाई यहां पे टॉप 100 में आए या नहीं आए, वे लोग ये सोचो कि ये एक बुरा सपना था, इसे भूल जाओगे तो कोई बात नहीं है, या फिर आप लोग ये सोचो कि आपको भाई कुछ एक्सपीरियंस मिला कि हां किस तरह का टूर्नामेंट होता है भाई। लेकिन मेरे को यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला भाई, क्योंकि मेरे आधे गेम में भाई हैकर आ रहे थे और आधे गेम हम लोग डर के खेल देते कहीं हैकर तो नहीं है। और ऐसे ही हम लोग का भाई टीम खेला और उतना अच्छे भी परफॉर्म नहीं किया हम लोग, इसलिए यार मेरे को ना अपने लिए तो बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ ना जो लोग सच में यार प्रैक्टिस करके भाई तैयारी करके अपने स्क्वाड को तैयार किए होंगे भाई, विदाउट गन स्किन खेल रहे होंगे भाई, सोचो उनका भाई क्या हालत हो रहा होगा भाई, कि मतलब कि हैकर लोग जीत के गए हैं भाई, फेयर प्लेयर का कोई इज्जत ही नहीं रहा भाई, मतलब ये लोग खुद हैकर लोग को भाई प्रमोट कर रहे हैं, और आप लोग केवल इसी उम्मीद में थे कि भाई कभी तो यार कुछ ना तो कुछ मेरे को मिल ही जाएगा, कम से कम इमोट तो मिल सकता है, जो तगड़े बंदे भाई खेल रहे थे भाई फेयर तरीके से भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और ये लोग जो भी यूट्यूबर लोग भाई वादा करते हैं भाई सब फेक है यार, और अगर इनका वादा सही है ना यार, तो फेयर प्लेयर्स को भाई रिवॉर्ड दिलाओ यार, ठीक है? और हैकर लोग का आईडी बैन करवाओ यार, कैसे ये लोग हैकर को रिवॉर्ड दे सकते हैं भाई? जहाँ इनको भाई सजा मिलना चाहिए वहां इनको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इस गेम का भाई कोई फ्यूचर नहीं हो सकता यार, ये हैकर लोग को प्रमोट कर रहे हैं भाई, नॉर्मल प्लेयर का भाई आईडी बैन हो रहा है। कितने लोग का भाई, मेरा दोस्त लोग का यार 30 दिन के लिए आईडी सस्पेंड हो गया है, मतलब बिना काम का, मतलब कोई लोग नॉर्मल खेल रहे थे भाई, लॉगिन कर रहे हैं, पता चल रहा है कि भाई नेटवर्क इश्यू हुआ, तुरंत भाई 30 दिन के लिए आईडी सस्पेंड। क्या बोलूं यार मैं गरीना वालों को भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग भाई एंजॉयमेंट के लिए गेम खेलते हो खेलो यार, लेकिन गेम में 1 रुपया भी मत लगाओ, ठीक है?